ओम शांति। आज की तारीख है 3/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ये अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हरेक पाठधारी का पाठ अपना अपना है, एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल यानी अमृत से सदगति को पाते हो, तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो, इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल से ही काम लेते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है और किसी के पास ये इंजेक्शन नहीं है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई तस्वीर बना कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, साक्षी हो हरेक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर दो, आत्मा को सच्चा सोना यानी कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है और सच्ची कमाई करनी है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, दाता बन अखूट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि सदा याद रखो। क्या याद रखें? कि बाप द्वारा जो भी अखूट खजाने मिले हैं वो देने ही है, दाता बन करके देने हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से और स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही सभी आकर्षित होंगे। स्लोगन है आज का, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।